बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मौसम माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी धुंध है और सूरज अभी निकला हुआ है इस साइड से, ये सामने सूरज और गंदम वगैरह बेकोरा पड़ा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा इस वक्त नज़ारा पेश कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। कैमरे में ज़्यादातर सब्ज़ी नज़र आ रही है, लेकिन वैसे ओरिजिनल में देखो तो वैसे सफ़ेद सफ़ेद ऊपर जैसे पानी नहीं पड़ा होता, इसी तरह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा क्योंकि कोहरा पड़ा हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी पेश कर रही है माशाल्लाह। बारिशों के बाद जो नज़ारा सामने आया है उसका क्या हाल मैं बयान करूँ, क्योंकि बड़े अरसे के बाद जो हमारे इलाके में बारिश हुई है तो इस वजह से बहुत ही खुशी के दिन है हमारे लिए। तो ये अभी वीडियो एडिट कर रहा था, वीडियो तो एडिट हो गई है और अपलोडिंग पे लगा दी है और ख़ुद को अभी भूख लगी है, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। तो अभी घर पे अम्मी जान भी नहीं है, वो कहीं गई हुई हैं, तो देखते हैं कोई चीज़ पड़ी है तो खाते हैं, भूख लगी है। और तो कुछ नहीं, ये केक मिला है, चलो इसी गुजारा करते हैं। ऊपर से देखने में तो काफ़ी मज़े का लग रहा है, खा के चेक करते हैं। काफ़ी मज़े का है, गुजारा हो जाएगा। वो तो थोड़ा बहुत पेट भर लिया, अभी बकरियों के लिए भी कुछ काट के लाता हूँ, इनको भी डालना है। अभी इनके पेट में तो कुछ ही डालें, तो अभी चलता हूँ कोई लांगी वगैरह इनके लिए काट के लेके आता हूँ। तो चलो चलते हैं, अभी बकरियों के लिए थोड़ी बहुत लांगी काटी है ये, अभी इसे घर लेके चलते हैं। अभी शहर आया हूँ और चावल लिए हैं, आज घर पे चावल बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जान भाई, अल्लाह हाफिज़। आप भी ब्लॉग में आ गए। मत झाड़ू मारो, भाई ये बकरियों के लिए कुछ चारा कटा हुआ पड़ा है और कुछ ये गंद वगैरह है, तो इसे भी अभी काटना है। तो ये रहा हमारा हथियार, तो जल्दी से इसे काटते हैं। अभी थोड़ा सा ही काटा है चारा, तो कज़न को स्प्रे करने के लिए कहा हुआ था ऊपर वाले प्लाट में, तो अभी वो आ गया है। एक बाल्टी में वहाँ पे रखा है, अभी दूसरी ये दूसरी वाली भी पार के लेके जाते हैं उधर ही ऊपर। आज फिर से सुबह सुबह बारिश हुई है और अभी भी बारिश का मौसम है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा व्यू इस वक्त, हरियाली हरियाली हर तरफ और ऊपर बादल माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। सुबह सुबह बारिश भी हुई है, कल तो सारा दिन धूप थी, मेरे ख्याल में कल वाला ही दिन था, उससे पहले तो तकरीबन बादल ही रहे हैं, तो कल वाला दिन ही था जिसमें धूप निकली है। तो आज फिर से बारिश भी हो गई है, अच्छी खासी बारिश भी हुई है और अभी बादल वगैरह छाए हुए हैं हर तरफ आसमान में माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है और इधर हरियाली हरियाली गंदम, बहुत ही प्यारा व्यू इस वक्त यहाँ से। यहाँ पे एक सेल्फी लेने का दिल कर रहा है, वो लेते हैं पहले। कल जब स्प्रे शुरू की थी तो उस वक्त तकरीबन असर का टाइम था, तो एक ही टैंक की थी क्योंकि शाम को फिर से शबनम पड़ना शुरू हो जाती है और जो स्प्रे को तकरीबन 1 से 2 घंटे चाहिए होते हैं सही ज़मीन में जब बोने के लिए, क्योंकि जहाँ से दवाई लाए थे उन्होंने कहा था तकरीबन 1 घंटा,
सही यानी पानी ना पड़े, तो शबनम जब पड़ने शुरू हो जाती है तो फिर वो सही असर नहीं करती दवा। तो फिर एक टैंकी की थी, ऐसे तो 8 करनी थी उधर उस प्लाट में, पता नहीं अब 8 टैंकी की दवाई लाए थे, अगर वहाँ पर पूरी वो दोनों प्लाट में मुकम्मल हो गई तो फिर तो ठीक है, इस प्लाट के लिए फिर ले आएंगे। तो कल फिर प्रोग्राम बनाया कि कल आज यानी कल प्रोग्राम बनाया था कि आज 11-12 बजे तक शबनम सही हट जाती है गंदम के ऊपर से, तो आज फिर कर लेंगे। तो अभी आज तो फिर से मौसम गड़बड़ हो गया, सुबह सुबह बारिश भी हुई है और अभी बादल वगैरह हैं छाए हुए हैं, तो आज तो धूप ही नहीं निकली। अब जब मौसम क्लियर होगा तो फिर ही स्प्रे हो पाएगी। अभी सोच रहा हूँ कि बकरियों को क्या डालूँ, पहले तो अम्मी जान घर पे होती हैं तो कोई ना कोई चीज़ डाल ही देती हैं, अभी आज वो भी नहीं है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस वाले बेर पे लांगी खड़ी तो है लेकिन वो बहुत ऊंची है, ऊपर अब नहीं चढ़ा जाता, वहाँ पर ऊपर जाते जाते डर लगना शुरू हो जाता ऊपर, तो उस पर भी खड़ी है वो भी ऊंची हो गई है वो वहाँ पे। तो अभी सोचो मैं गुम है लड़का क्या करूँ, तो देखते हैं चारा पड़ा है कुछ वो तो डालते हैं, तो नहीं तो कुछ और लांगी भी कहीं से काटनी है तो वो भी चेक करता हूँ, अगर काट ली कहीं से बंदोबस्त हो जाता है तो फिर तो सही है, अगर ना होगा तो फिर तो वो चारा ही डाल दे। बाहर तो इनको निकाला ही नहीं, अंदर ही है, तो कुछ थोड़ा बहुत चारा यहाँ पे पड़ा हुआ था ये मैंने डाला है वो उधर, तो अभी ये भी मेरे ख्याल में खा चुकी हैं। इनको आज बाहर भी नहीं निकाला क्योंकि बाहर ठंड है काफ़ी, तो अंदर ही हैं अभी। तो अभी अम्मी जान तो घर पे नहीं है तो अभी सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ, तो चेक करता हूँ जो चीज़ पड़ी हुई चेक करते हैं वही बनाते हैं जो आसान लगा, तो चलते हैं। पहले तो फ्रिज में देखते हैं ना कोई चीज़ पड़ी है या नहीं। इधर मटर, ये शायद, और इधर सालन पड़ा हुआ है। फ्रिज में तो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं मिली तो कोई चीज़ बनानी पड़ेगी, तो कोई चीज़ बनाते हैं जल्दी से। और तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया क्या बनाऊं, लेकिन बेसन मिल गया थोड़ा सा तो मैंने कहा चलो पकौड़ी, वैसे भी आज मौसम ऐसा है कि पकौड़ी बनाते हैं। अभी प्याज वगैरह काटते हैं, प्याज और आलू। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं, अभी इन्हें खाते हैं और मौसम को इन्जॉय करते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है अभी हल्की हल्की, ये देखें नीचे पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा, हल्की हल्की बारिश। अगर खाने हैं तो आ जाएं और हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, बाय।